तो जय हिंद जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार बहु यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। आज का नीमच मंडी का आवक देख लेते हैं, लहसुन प्याज अन्य जिनसों का। प्याज में लगभग 2-3 वाहन खड़े हुए हैं, आवक और आ जाएगी। लहसुन में भी हाल फिलहाल आवक कम है, लगभग 36-37 वाहन के आसपास तो बाहर खड़े हुए हैं, और लगभग 25-27 वाहन लगभग फर्स्ट छपरे में, सेकंड छपरे में 7-1 वाहन, कुल मिलाकर 70 वाहन के आसपास है। और कुछ और आवक आ रही है तो 80 वाहन, और कुछ माल प्लेटफॉर्म पे पड़ा है, वो भी एक तरह से आवक है, तो कुछ माल प्लेटफॉर्म पे भी पड़ा हुआ है। तो लगभग सब प्लेटफॉर्म की और सबकी आवक गिन ले अपन, कुछ ट्रकों में खाली भी पड़ा है, तो 90 वाहन के आसपास, तो ज़्यादा आवक नहीं है लहसुन की आज। और सोमवार का दिन जैसा उम्मीद थी कि आवक बढ़ेगी, वैसी आवक देखने को तो नहीं मिल रही है, मगर पिपलिया मंडी में आवक का अच्छा अपडेट मिल रहा है। तो लगभग 5,000 बोरी के आसपास, 4,500 बोरी से ज़्यादा की आवक हाल फिलहाल नज़र नहीं आ रही है नीमच मंडी में। गेहूं की आवक की बात करें तो लगभग 100 ट्रोली के आसपास गेहूं की भी आवक अभी कम है। सोयाबीन 50 से 55 ट्रोली के आसपास में आवक है, अभी सोयाबीन की अच्छी आवक है। तिल्ली का से ढेर होने लग गया है, लगभग 250-300 बोरी के आसपास तिल्ली की आवक है। कलौंजी की बात करें लगभग 600 बोरी के आसपास में कलौंजी की आवक बन जाएगी, और इसबगोल भी लगभग 600-700 बोरी के आसपास की आवक दिख रही है। अजवाइन 300 बोरी के आसपास, धनिया लगभग 800 बोरी के आसपास में हाल फिलहाल आवक है। मेथी लगभग 1,000 बोरी के आसपास हाल फिलहाल आवक है। तो कुल मिलाकर मूंगफली में भी आवक है, ओजदी में भी ठीक ठाक आवक है। कुल मिलाकर सोमवार का दिन वैसी बम्पर आवक नहीं है जैसी लगना चाहिए थी, कुल मिलाकर अमूमन सामान्य टाइप आवक है। लहसुन की आवक है तो कमी दिख रही है, देखते हैं पूरी आवक। सुबह की राम राम, जय श्री कृष्णा। नीमच मंडी की लहसुन की आवक देख लेते हैं कैसी है। 2 दिनों के अवकाश के बाद आज सोमवार का दिन, और ये वाहन देख सकते हैं आप, और प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा माल है। इस टाइप के कट्टों में माल लाएँ जिससे आपको समस्या का सामना न करना पड़े। और ये पूरी आवक की स्थिति हाल फिलहाल की नीमच मंडी की कैसी आवक है देख लेते हैं, कितने वाहन हैं। और इस वाले में लगभग खुला माल ज़्यादा है, जिसके लॉट एक गाड़ी में 5-6 लॉट हैं, उस टाइप का माल है, तो वो नीचे रख रखा है। ये पूरा आवक देख सकते हैं आप पहले छपरे का, और पहले छपरे में तो आवक कम ही है माल, कुछ सेकंड छपरे के आवक भी कम है। तो ये आवक की स्थिति है मंडी की नीमच की, ये देख सकते हैं आप। और ये इस टाइप के कट्टों में माल न लाएं, और इससे माल की परख नहीं हो पाती है और आपको भी नुकसान ही है। ये हमने जो कट्टे बताए अभी पूर्व में आपको, ब्लू पट्टे वाली, उसी में माल लेकर आएँ। ये इस टाइप के कट्टों में माल न लाएं, ये ब्लू कट्टे हैं, इनमें माल लाएं ताकि आपको सुविधा रहे, असुविधा का सामना न करना पड़े। ये पहला छपरा, चलते हैं दूसरे छपरे की ओर। दोस्तों ये दूसरा छपरा आप देख सकते हैं, छपरे में आवक नहीं है, छपरे के बाहर है। और ये छपरों में अब नई व्यवस्था करी आज से, छपरों में ये खुला माल रखा जा रहा है ताकि दिक्कत ना आए, और बाहर सारे वाहन लाइन से खड़े हुए हैं। तो ये दूसरा छपरा देख सकते हैं, इधर भी देख लेते हैं अपन क्या आवक है। दूसरे छपरे में आवके नहीं हैं, तो आवके आज सीमित है, मंदसौर मंडी चालू है। पिपलिया में बम्पर आवक की खबर मिल रही है, जी हाँ, पिपलिया मंडी में 10,000 बोरी से ऊपर की आवक मिल रही है, मगर नीमच में आवक नहीं है। ये स्थिति आप देख सकते हैं हाल फिलहाल की। सेकंड छपरे में गिने चुने वाहन, पहले छपरे में लगभग 25 वाहन, दूसरे छपरे में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वाहन है कुल, और खुला भी नहीं पड़ा है। पहले छपरे में 25 वाहन है प्लस माल खुला अलग अलग लॉट के बहुत सारे के वो भी हैं। अब देखते हैं जो पहले छपरे की जगह माल सीधे बाहर ट्रोलियों में खड़ा है, देख लीजिए आप किस टाइप से आवक सीधे प्लेटफॉर्म के बाहर दिख रही है। और ये आवक है, ये लाइन लग रही है, और नई सिस्टम नई व्यवस्था करी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बना रहे। और जी जय श्री राम, कहाँ से हो दादा? मेहतपुर से आए हैं लहसुन लेकर, और बिल्कुल बिल्कुल। और ये व्यवस्था देख सकते हैं आज से बाहर की है, और बिल्कुल बिल्कुल। और ये आवक की स्थिति देख सकते हैं, चलो बाद में देख लेंगे, भाव डालेंगे तब दे देंगे, भाव डालेंगे तब, बिल्कुल बिल्कुल। और ये स्थिति देख सकते हैं आवक की, तो नई व्यवस्था बनी है, ट्रोलियां सब इधर रहेगी अब आज से नई व्यवस्था। मगर पिपलिया मंडी की आवक का अपडेट मिल रहा है बहुत अच्छा, 10,000 से बोरी ऊपर आवक का अपडेट मिल रहा है हाल फिलहाल तक। और ये नीमच मंडी की पूरी आवक है, लहसुन की ट्रोलियाँ आपके सामने देख सकते हैं, सारी ट्रोलियाँ। नीमच में आवक कम है और नई व्यवस्था बनी है आज आवक के लिए,
और रोज़ाना छपरे के यहाँ खड़ी रहती थी तो भीड़ भी लेती थी, खुला रहेगा यहाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी अच्छे तरीके से देखने को मिल सकता है। तो ये आवक की स्थिति है पूरी हाल फिलहाल तक नीमच मंडी की, लहसुन की कोई विशेष आवक नहीं है, सोमवार का दिन है, इतनी ज़्यादा आवक तो नहीं है।